हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आईआरटी की तैयारी बहुत मज़े में कर रहे होंगे। आपकी पूरी प्रिपरेशंस लेके हर एक इन्फॉर्मेशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ रियल कॉन्सेप्ट आपको पहुंचाता है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नए हो तो, और लाइक शेयर तो सब लोग करेंगे, नए पुराने जो भी होंगे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, पूरा देखना। देखो, सबसे जो मेन चीज़ होती है सिलेक्शन। फॉर्म तो सबने भरा है, 1350 रुपये लगा करके इतना महंगा फॉर्म भरा है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती उनके साथ। मतलब वो टाइम से पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, वो चीज़ें अलग हो गई। बट अब कहने की ज़रूरत नहीं है, 30 जून 2023 को एग्ज़ाम का डेट ऐसा बताया जा रहा है, ऑफिशियल साइट पर होगा भी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे अब यही पूछ रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन करके आए तो आईआरटी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा 4 साल का अनुभव है, ठीक है, आईआरटी में लगभग के लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे रियल कॉन्सेप्ट से ही गए हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि एक बिलीवेबल चैनल है रियल कॉन्सेप्ट, और मैक्सिमम सिलेक्शन आईआरटी के लिए यहीं से होता है क्योंकि आईआरटी के लिए ऑनलाइन कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम सिलेक्शन होता है, उसके बेस पे बताऊं, क्योंकि मेरे पास तो हर साल बच्चे जाते हैं, हर ब्रांच में लगभग 33% से ज़्यादा बच्चे हमारे रियल कॉन्सेप्ट से जाते हैं हर एक ब्रांच में आईआरटी में, ठीक है। तो हर एक बच्चे का मैं नंबर देखता हूँ, अच्छा इतना नंबर आया, इतना रैंक बना, इसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने क्वेश्चन करके आओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब देखो मैं क्लियरली बता दूँ, समझना अच्छे से, जो कट ऑफ होता है ना बाबू, जो आपका ये कट ऑफ होता है, ये जो कट ऑफ होता है, जो नाम कट ऑफ पड़ा हुआ है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है। पहला तो ये पेपर पर डिपेंड कर जाता है, पेपर बहुत टफ आया तो कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाता है, ठीक है, यानी कि 75 क्वेश्चन में से तुम 30-35 क्वेश्चन भी कर दो, 40 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा पेपर पे। पेपर पे यानी कि अगर इजी आ गया तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ गया फिर मॉडरेट आ गया थोड़ा सा ऊपर जा सकता है कट ऑफ। आपके कैटेगरी पर डिपेंड करता है, आपका CWS है कि नहीं है, आप OBC हो, ST हो, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कट ऑफ। बट जनरली अगर मैं सबके लिए बताऊँ बेटा ना, सबके लिए अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो ध्यान से सुनना। पिछले बार एक मेरा इंटरव्यू आया था रैंक 1 के साथ, 2022 में, जो 2022 में रैंक 1 लाया था, जिसका नाम था शायद शुभम यादव, उसने उसका वीडियो मेरे साथ पड़ा हुआ, इंटरव्यू हमने लिया था, ठीक है। तो उसने पूरी कहानी बताई थी और मैंने उस वीडियो को पब्लिक भी किया था, बहुत सारे बच्चे देखे, आप भी देख सकते हो, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है शुभम यादव इंटरव्यू बाई विनय मिश्रा सर, या फिर रियल कॉन्सेप्ट आएगा, आप देख लेना। उस बच्चे ने बताया कि सर हमने 2022 में पूरा क्वेश्चन जो किया था वो किया था 55 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 55 क्वेश्चन किया था, सही सही हमने 75 में से 55 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक थे, मतलब कि ईजी क्वेश्चन नहीं थे आईआरटी में, मैं क्लियरली बता दूं, ठीक ठाक क्वेश्चन बने थे, मैथ लेवल का बना हुआ था पिछले बार, तो 55 क्वेश्चन सही सही किया था। ऐसा नहीं कि 55 क्वेश्चन की 20 गलती निकल गया, सिलेक्शन नहीं होगा, तब 55 क्वेश्चन किया उन्होंने, या अगर मुझे सही याद है तो शायद 55 ही बोला था, एक बार वीडियो अपलोड था, 55 ही था, 55 क्वेश्चन में उसका रैंक 1 आ गया, सोच सकते हो। तो कहने का मतलब है कि पिछले बार के कट ऑफ के बारे में बात करें, आप सही सही देखो, आईआरटी में सिलेक्शन न होने का सबसे मेन रीज़न है कि बच्चों को पता नहीं है कि कितना क्वेश्चन करना है। बच्चे गलती गलती सोचते हैं हम 75 ही क्वेश्चन कर दें, 60-70 क्वेश्चन कर दें गलती गलती, लेकिन करें ज़रूर, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये मिथ है, लोगों के मन में भ्रम है ये कि 75 में से 72 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करोगे तभी आईआरटी होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इस मिथ को तोड़ो। और जो बच्चे दिमाग में बैठा के चलते हैं कि मुझे एकदम 70 क्वेश्चन करके आना है, 72 क्वेश्चन करके आना है, 75 करके आना है, 65 से कम नहीं करना है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ईजी है, आ रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत, लेकिन जानबूझ के गलती करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जितना क्वेश्चन आता उतना करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैंने देखा है। एक से एक मतलब कमज़ोर बच्चे, गधे बच्चे, उनका सिलेक्शन आईआरटी पिछली बार खूब आराम से हो गया क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन करके आए थे, सही सही करके आए थे, और जो होशियार बन रहे थे इतना क्वेश्चन कर दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेन सिलेक्शन का रीज़न मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कुछ भी किया, इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बता दूँ। आपको देखो, आपको लग रहा है कि आपको 35 क्वेश्चन आ रहा है बढ़िया से, इतना करके छोड़ दो, लेकिन पेपर बहुत ईजी होगा तो 35 मत कर देना कि सर बोलते 35 कर देंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है 40 कर दो। अगर आपको 50 आ रहा इतने पर छोड़ दो, ऐसा नहीं, नहीं सर हमें सर 50 से ज़्यादा नहीं आ रहा, हम सर 65 करेंगे 70 करेंगे, नहीं इतना आ रहा है इतना करके छोड़ दो, गलती मत करना बहुत ज़्यादा, जितना आ रहा है कोशिश करो करो। अब मान लो तुम्हें 2 ही क्वेश्चन 75 में आ रहा है, तब 2 ही करने से कोई फायदा तो है नहीं, समझ रहे हो। आपको 35 क्वेश्चन लग रहा सर इतना ही हमें आया है, अब इससे आगे एक भी नहीं आ रहा है,
तो गलती गलती करोगे तो ना होने के चांस बढ़ जाएंगे तुक्का लगाओगे तो, लेकिन ऐसे करोगे तो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी कैटेगरी से है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं मोटा मोटी लगभग क्या बता रहा हूँ बाबू कि आपको जितना आता है ज़बरदस्ती नहीं करना कि 75 में समय सर 60-65 करना है, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा, गलती कर दोगे। कोशिश करना, तुम्हें अगर मान लो 40 से आ रहा है ना, 40 में बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा आपका। इस कट ऑफ पे वीडियो तो मुझे पहले नहीं बनाना चाहिए, कट ऑफ पे वीडियो कब बनता है, एग्जाम दे के आओगे उसी दिन मैं कट ऑफ पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये मैंने ऐसे जनरली आपको बता दिया अपना बच्चा समझ के कि 4 साल के अनुभव के आधार पे कितना ही क्वेश्चन करना जितना आपको आता है, नहीं तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये श्योर है। मैं 4 साल से चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से रिजल्ट मेरे पास अभी भी कम से कम 50-100 बच्चों का रिजल्ट मेरे पास आज भी रखा हुआ, लैपटॉप में रखा हुआ है, ठीक है। कितने नंबर कितना रैंक बना सब रखे हैं, सब दिखाएंगे तुम लोग एग्जाम के बाद। तो इतना ध्यान रखना, जितना आता है उतने करने का प्रयास करो, बहुत जल्दी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गलती गलती करोगे। आपको 40 आ रहा 40 करो, 50 आ रहा 50, 45 आ रहा 45 करो, छोड़ दो, बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा ब्रांच चाहिए तो भाई आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। आपको नहीं सर हमें इलेक्ट्रिकल, अब देखो कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ब्रांच पे भी। आपको मान लो इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए कहीं ब्रांच है, कोई इसका सब ब्रांच नहीं, 75 सीट है बस, ठीक है। तो जो बहुत टॉप 100 में आते हैं ना उन्हीं को मिल भी पाता है, ये टॉप 100 में आते हैं, अंडर 100 आते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रिकल मिल पाता है। तो अच्छा ब्रांच चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वगैरह, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रैंक भी थोड़ा ठीक ठाक लाना पड़ेगा। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने क्या बताया कि जितना आता उतना करो, ज़्यादा नहीं कि सर ज़बरदस्ती हम 65 क्वेश्चन करके आएंगे, 35 40 कर छोड़ दो ना, मिलना हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो तुक्का लगाओगे तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने ऊपर से जो करना चाहोगे अपने दिमाग से कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कितना ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन ईजी आया तो 55 भी कर दोगे, 60 भी कर दोगे, अगर आपको आ रहा तो 60 भी क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रैंकर बन जाओगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बता दीजिए, अगर आपको आता है तो 70 भी क्वेश्चन कर सकते हो, 75 में से 70 भी आप क्वेश्चन कर सकते हो आता है तो। जब नहीं आता है पेपर टफ बना है तो भाई जितना आ रहा उतना करके छोड़ दोगे सिलेक्शन होगा। यही बात मैं यहाँ पे बता, कितने क्वेश्चन करके आए, तो यही वाले का जवाब आप कहाँ पा जा रहे हो, यहाँ पा जा रहे हो। हालांकि कट ऑफ का वीडियो मैं बनाऊंगा, एग्जाम के दिन ही बनाऊंगा, जैसे पेपर मेरे पास कुछ आइडिया आ जाए कैसा पेपर आया था, बच्चों से बात करूँ, कट ऑफ वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पर डिटेल मैं इसलिए बता दी, अपने बच्चे हो तुम लोग, कि गलतियों मत कर देना कि ज़बरदस्ती 60-70 क्वेश्चन करना है, मिथ बैठा है दिमाग में है कि नहीं इतने से कम में सिलेक्शन होगा, नहीं। 40 क्वेश्चन पे भी ठीक ठाक ब्रांच आपको मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन, नंबर नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा ध्यान रखना, 75 क्वेश्चन में से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये नंबर नहीं बता रहा हूँ कि 35 नंबर लेके आओगे तो हो जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। 35 पे भी पिछले बार सिलेक्शन हुआ काफ़ी बच्चों का, बहुत अच्छे अच्छे ठीक ठाक ब्रांच मिल गए हैं, लेकिन जो बच्चे इसको 70-65 करने का कोशिश किए उनका नहीं हो पाया। ऐसे समझ में पेपर बहुत ईजी है तो इसी पर सर 35 में 35 करके आएंगे, नहीं, आप ज़्यादा करो, पेपर बहुत टफ है, जितना आ रहा उतना करके छोड़ दो, एक आध तुक्का लगा सको, लेकिन ज़्यादा तुक्का लगाओगे दिक्कत में आ जाओगे, समझ गए। तो इस कट ऑफ पर 2022 के टॉप बेस बता रहा हूँ, 55 पर रैंक 1 आता है, तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा टफ बना था, अगर इस बार भी टफ बनेगा तो आप ऐसे करके आओ, और टफ नहीं है तो 50-55-60-65 करके आओ, टफ नहीं है तो आपको लगता है सही कर रहे हो तब, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ जो भी नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, क्यों, क्योंकि आपको पूरी प्रिपरेशन पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी, और जो पुराने हैं और जो नए हैं सब लोग लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, और भी टॉपिक पर वीडियो हम बनाएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह पे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।